हाउ टू फिक्स वन प्लस सिक्स कॉल वेटिंग प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपने कॉल वेटिंग सेट कर रखा है लेकिन फिर भी अगर आपका कॉल वेटिंग काम नहीं कर रहा है तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आज के इस वीडियो पर मैं आपको यही सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें, जो भी सॉल्यूशन है उसको फॉलो करें, इससे दोस्तों आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कॉल वेटिंग का जो फ्यूचर है वो आपको तब काम आते हैं जब आप दूसरे कॉल पर बने हुए थे और उसके ऊपर में दूसरे कॉल आपको आ जाते हैं, कोई अर्जेंट कॉल हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके मदद से आपको पता चलता है कि आपके मोबाइल पर एक और कॉल कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो कि इमरजेंसी होने के बाद आपको काम भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों एक कॉल वेटिंग का फ्यूचर है और कॉल वेटिंग इस तरीके से ही काम करते हैं, नोटिफाई कर देते हैं आपको अगर दूसरे कॉल आपको आ रहा है, ठीक है। अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, अगर आपको दूसरे कॉल आ जाते हैं तब आपको कॉल वेटिंग नोटिफाई कर दिया जाता है कि आपको दूसरे कॉल आ रहा है। लेकिन अगर कॉल वेटिंग इनेबल करने के बाद भी ऐसा नहीं हो रहा है तो वीडियो को देखिए, ठीक है। मैं आपको कॉल वेटिंग का सेटिंग भी बताऊँगा और सॉल्यूशन भी बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले दोस्तों जाके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें, और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक आपको मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है यहाँ पर फ़ोन सर्विस, ठीक है। फ़ोन सर्विस सर्च करना है क्योंकि दोस्तों फ़ोन सर्विस यही पे आपका सेटिंग है कॉल वेटिंग का, तो उसको आप सर्च करके अपडेट कर देना। अपडेट करने के बाद जाइए दोस्तों मोबाइल के सेटिंग पर, स्क्रॉल डाउन करें, ज़्यादा नहीं करना है थोड़ा सा। इसके बाद ऐप्स एंड नोटिफिकेशन सी ऑल एप्स एंड देन सर्च करते जाइए नीचे पे, ठीक है। स्क्रॉल डाउन एंड आपको फ़ोन सर्विस मिल जाएगा, और उसके बाद दोस्तों आपको स्टोरेज एंड कैश पर जाना है, क्लियर स्टोरेज पर क्लिक करके ओके कर देना है, और उसके बाद बैक करना है एंड परमिशन पर जाके मेक श्योर टू इनेबल ऑल द परमिशंस, ठीक है। सारे के सारे परमिशंस आपको इनेबल करना है, उसके बाद आपको बैक करना है, मोबाइल को सेफ मोड पे रिबूट कर देना है। उसके लिए आपको पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, पावर ऑफ के बटन को 2 सेकेंड क्लिक करके रखना है और ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो चुका होगा, ठीक है। तो ये कुछ सॉल्यूशंस जो कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया है उसको फॉलो करके आप कॉल वेटिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अभी आइए सेटिंग करते, कॉल सेटिंग पर जाइए, थ्री डॉट्स में क्लिक करके कॉलिंग अकाउंट्स मोर फ्यूचर्स, और ये है कॉलर आईडी एंड कॉल वेटिंग, और उसके बाद जाके यहाँ से आप कॉल वेटिंग इनेबल कर सकते हैं। अगर इनेबल है तो डिसेबल करके इनेबल करें, ठीक है। ये करने के बाद दोबारा से चेक करके देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो सेटिंग पर जाए, स्क्रॉल डाउन करें, सिस्टम पर क्लिक करें, और उसके बाद आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, सॉफ्टवेयर जैसे अपडेट होगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बाई एनी चांस मान ले सारे के सारे सॉल्यूशंस फॉलो करके देखा, काफ़ी दिन हो गया है आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन करते जा रहा है, तो लास्ट सॉल्यूशन जो कि आपको सिस्टम पर जाके करना होगा, सिस्टम पर क्लिक करें, रीसेट ऑप्शन पे क्लिक करें, फैक्ट्री डेटा रीसेट पर क्लिक करके मोबाइल को फैक्ट्री डेटा रीसेट कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप फैक्ट्री डेटा रीसेट करोगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉल वेटिंग प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।